bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. 2024 लोकसभा चुनाव मोदी जी के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन इसमें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें जरूरी बहुमत मिल गया है, चाहे कोई भी किसी का समर्थन करे, और वे पहले की तरह सख्त सुधारों और तेज विकास को जारी रखेंगे। सुनिए चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को अपने प्रतिबद्ध समर्थन के बारे में क्या कहा और एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया। No, don't bother. You are very loud. You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. We are in NDA. I am going for NDA meeting. In course of time, anything will report to you. Thank you. जितने मेजोरिटी के लिए सांसद लगते हैं, संख्या लगती है, उतनी पूरी हो चुकी है, उससे ज्यादा है। और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। और उनको आज मैं समर्थन देने यहाँ पर आया हूँ, शुभकामनाएं देने आया हूँ। और कहावत है, गिरे तो भी टांग ऊपर वाली, ऐसी बात है। जिनके पास आंकड़े नहीं है, जिनके पास मेजोरिटी नहीं है, वो सरकार बनाने की बात करते हैं। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। और निश्चित रूप से आपको इतना ही कहूँगा, 10 साल मोदी जी को जो मिले, 10 साल में जो उन्होंने इस देश का विकास किया है, देश का विकास, देश को बहुत ही ऊंचाई पर ले गए। उनके पास देश के विकास का एजेंडा था, और सामने वाले जो थे विपक्ष वाले इंडिया लाइन, उनको एक ही था, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हराओ। ये ऐसे जो पीड़ित लोग थे, वो लोगों को, जो कई लोग कहते थे कि मोदी जी को तड़ीपार करो, तो तड़ीपार इस देश की जनता ने उनको किया है। सत्ता से रोककर जो बोलने वाले हैं, उनको ही तड़ीपार कर दिया, उनकी जगह उनको दिखा दी है। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।